ब्लूथ्रोट एक छोटा पतला सांगबर्ड है जिसे पहले थ्रश परिवार टर्डिडे के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब इसे आमतौर पर ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैचर मस्किकापिडे माना जाता है। इसके प्रजन पक्षति में वयस्क नर में मुख्य रूप से गहरे भूरे रंग के ऊपरी हिस्से होते हैं, जिनमें बहुत हल्के भूरे भूरे रंग के अंडरपार्ट्स होते हैं। पंख एक सादे मध्य भूरे रंग के होते हैं और ऊपरी पूंछ गहरे भूरे रंग की होती है, जो ऊपरी हिस्से के दोनों ओर रूफस पैच द्वारा सीमाबद्ध होती है। एक गोल सफेद पट्टी आंख के ऊपर सुपरसिलियम तक फैली हुई है। निचले जबड़े के ठीक नीचे ठोड़ी और गला एक गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें एक लाल रंग का ऊपर की ओर मुड़ा हुआ वर्धमान आकार होता है, जो ऊपरी छाती के क्षेत्र में नीले रंग के पैच को विभाजित करता है। नीले पैच के आधार पर एक पतली काली और सफेद पट्टी होती है, जिसके नीचे एक और रूफस या नारंगी भूरे रंग का क्षेत्र होता है। इसका शेष अंडरपार्ट हल्के भूरे रंग का होता है। पैर लंबे और पतले और गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। आंखें गहरे भूरे रंग की और चोंच काली होती है। गैर प्रजनन पंख में वयस्क नर समान होता है, हालांकि अलग अलग नीले और रूफस गले और ऊपरी रंगीन छाती बहुत कम स्पष्ट होते हैं, जो पंखों की पीली युक्तियों से अस्पष्ट होते हैं। सामान्य तौर पर वयस्क मादा सफेद गाल, एक पीला गला और एक गहरे छाती बैंड के साथ अक्सर नीले रंग के धब्बों के साथ नर के गैर प्रजनन रंगों की नकल करती है। किशोर मुख्य रूप से ऊपरी हिस्से, सिर और छाती पर एक गहरे भूरे रंग के होते हैं, जो बफ के साथ रूफस चिन्हों के होते हैं, और शेष एक हल्के भूरे रंग के होते हैं। दुम और पूंछ के आधार जंग लाल छायांकित है। यह एक प्रवासी कीट भक्षी प्रजाति है, जो यूरोप में गीले बर्च की लकड़ी या झाड़ीदार दलदल में प्रजनन करती है, और पश्चिमी अलास्का में तलहटी के साथ यह टस्कों में या घनी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं। यह उत्तरी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों में आती है। इसके नर के पास एक विविध और बहुत ही सुंदर गीत होता है। इसकी कॉल एक विशिष्ट चैट चाक तरह का शोर है। तो चलिए आनंद लेते हैं इसके गीत का।